आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में सिग्नेचर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फोटोशॉप खोलेंगे, इस फाइल में जाएंगे और पहले से स्कैन किया हुआ सिग्नेचर या मोबाइल द्वारा फ़ोटो खींचा हुआ सिग्नेचर हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को हम अनलॉक कर लेंगे। यहाँ देखिए लॉक बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ओके दबाइए और ये अनलॉक हो गया। इसको हम थोड़ा सा फुल कर लेते हैं और हम फिर इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में, लेवल में। उसके बाद इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट बढ़ा लीजिए, देख लीजिए सिग्नेचर ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये देखिए फिर ओपन करते हैं और ओके दबा देते हैं। इसके बाद हम मैजिक टूल लेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर सेलेक्ट हो चुका है, पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है, लेकिन इसमें बीच का जो पोर्शन है, हिस्सा है, वो अंदर का सेलेक्ट नहीं है, अंदर का बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं है। शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह ध्यान दे करके जो जो जगहों पर ये सेलेक्ट नहीं है, शिफ्ट दबाए दबाए हम वहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद डिलीट बटन दबा देंगे। आप देख रहे हैं सब बैकग्राउंड क्लियर हो गया है, लेकिन एक स्थान रह गया है जहाँ पर बैकग्राउंड उसका ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ पर फिर क्लिक कर देंगे, देखिए अंदर का ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया और फिर डिलीट दबा देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप ऐसे इसको लेयर को उठा करके देख सकते हैं। ये देखिए इसको हम अपने इस्तेमाल में लाने के लिए, कहीं अगर हम फॉर्म भर रहे हैं या कहीं भी सिग्नेचर की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम अब सेव कर लेंगे, सेव एज में जाएंगे और यहाँ नाम दे देंगे ट्रांसपेरेंट सिग्नेचर। हमारे पास एक पहले से सिग्नेचर स्कैन किया हुआ वो ट्रांसपेरेंट था, इसलिए इसका वन कर देते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं PNG फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं और PNG में इसे हम सेव कर लेते हैं। इस प्रकार से सिग्नेचर हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होती है, फिर नए वीडियो के साथ।